दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप इस तरह के कार्टून एनिमेशन वीडियो को कैसे क्रिएट कर सकते हो काइन मास्टर का यूज करके और अपने फोन से। ठीक है, वीडियो को इन तक देखना और चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको यूट्यूब ओपन करना होगा और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा कार्टून मेकर। कार्टून मेकर सर्च करोगे तो आपके सामने एक चैनल आएगा कार्टून मेकर के नाम से। आप इस चैनल पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे जाओगे, जब इनके प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारे ग्रीन स्क्रीन कार्टून यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे। तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। एक कॉपीराइट स्ट्राइक कॉपीराइट क्लेम कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे भी डाउनलोड कर सकते हो या दोस्तों कार्टून मेकर ग्रीन स्क्रीन सर्च करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ग्रीन स्क्रीन आया यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से सिंपल सा डाउनलोड करने के लिए क्या करोगे, इसमें देखो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करोगे और देखोगे इसमें बहुत सारे कार्टून ग्रीन स्क्रीन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल से यहाँ से आपको इसमें डाउनलोड कर लेना है। ऑलरेडी हम डाउनलोड कर चुके हैं। ये तो यहाँ से आप कार्टून ले लिए, लेकिन अब यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड भी जरूरत पड़ेगा। तो दोस्तों बैकग्राउंड डाउनलोड करने के लिए हम इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन ओपन किए। गूगल प्ले स्टोर पे आपको ये एप्लीकेशन फ्री में मिल जाएगा, इमेज सर्च मैन। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना और ओपन करो, कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है कार्टून हाउस बैकग्राउंड इमेज। कार्टून हाउस बैकग्राउंड इमेज जब सर्च करोगे तो आपके सामने देखो बहुत सारे बैकग्राउंड आ जाएगा HD में। जिस भी बैकग्राउंड को आप डाउनलोड करना चाहते हो सिंपल सा उस बैकग्राउंड पे क्लिक करो, आप देखो फुल HD में आ गया। और आप वही बैकग्राउंड यहाँ से डाउनलोड करना जिस पे कुछ लिखा ना हो। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है इस पे। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो। जब इस पे क्लिक करो तो ये डाउनलोड हो जाएगा। जितना बैकग्राउंड चाहते हो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अब दोस्तों हम सीखने वाले हैं इसको एडिटिंग कैसे करना है। एडिटिंग करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिटिंग करना अगर अच्छे से आप सीख जाओगे तो वीडियो क्रिएट करना भी अच्छे से आप जान जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों एडिटिंग करने के लिए हम काइन मास्टर ओपन किए। आप जिस भी एप्लीकेशन को यूज करते हो उस एप्लीकेशन से आप एडिटिंग कर सकते हो। यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, 60:9 लेंगे क्योंकि हमको यूट्यूब का वीडियो बनाना है यहाँ पे लॉन्ग, तो 60:9 लेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप जो बैकग्राउंड डाउनलोड किए हो, ठीक है, उस बैकग्राउंड को आपको यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर्स में जाओ, जो बैकग्राउंड हम डाउनलोड किए उस बैकग्राउंड के यहाँ पे हम ले ले रहे हैं। बैकग्राउंड हम ले लिए, अब इस बैकग्राउंड को क्या करेंगे, जितने सेकंड का आपको वीडियो बनाना है उतने सेकंड का आप इस बैकग्राउंड को बढ़ा के कर लो। ठीक है, अगर मान लो कि आपका ये बैकग्राउंड छोटा हो और इसे फुल स्क्रीन करना चाहते हो, ये छोटा तो नहीं है लेकिन अगर फुल स्क्रीन आप करना चाहते हो तो क्या करोगे, पैन एंड जूम का देखो एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना, इक्वल टू पे क्लिक कर देना और इसे जूम करके आप इसे फुल स्क्रीन कर लेना। ठीक है, ये आपका बैकग्राउंड लग गया। अब क्या करना है कि यहाँ पे अभी आप जो वीडियो डाउनलोड किए हो ग्रीन स्क्रीन का उसको यहाँ पे लगाना है। लेयर पे जाओ, मीडिया पे जाओ, यहाँ से जो वीडियो आप डाउनलोड किए उसको ले लो। देखो हम इस वीडियो को डाउनलोड किए, यहाँ से हम वीडियो को ले लेते हैं। ये देखो दोस्तों हम इस वीडियो को ले लिए। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो ये वीडियो आ गया। सबसे पहले क्या करना है कि इस वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे मिक्सर पे जाना है और इसके वॉइस को यहाँ से सबसे पहला काम म्यूट करना है इसके वॉइस को। ठीक है, अभी वीडियो जितना लंबा है उतना लंबा बैकग्राउंड लगा सकते हो या आप अपने हिसाब से जितने सेकंड का बनाना चाहते हो उतने सेकंड का बैकग्राउंड इसमें आप दे सकते हो, कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको यहाँ पे इस वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्क्रॉल करके जाना है ग्रीन स्क्रीन में। यहाँ पे क्रोमा की आपको इनेबल करना है और यहाँ से आपको ग्रीन स्क्रीन इनेबल कर देना है, इनेबल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है ताकि इनका जो क्लोथ है वो अच्छे से दिखे। देखो यहाँ पे हम एडजस्ट कर रहे हैं, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। ये देखो दोस्तों ग्रीन स्क्रीन लगा लिए, बैक जाएंगे। अब इसको बढ़ा के हम इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। आप फुल स्क्रीन आप इसको कर लेना, यहाँ देखो फुल स्क्रीन कर लिए। ये देखो दोस्तों वीडियो यहाँ पे आपका बन के तैयार हो गया। अब क्या करना है, इस वीडियो को एडिटिंग करना है। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। एडिटिंग करने के लिए आपको इसी वीडियो पे क्लिक करना है, स्क्रॉल करके जाओगे, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, इसमें से सभी फीचर्स को आपको यूज करना है, यूज करके अपने हिसाब से इसको एडिटिंग करना है। ठीक है, अभी देखना हम एडिटिंग कर रहे हैं तो आप देखो कितना अच्छा ये लगने लगेगा। तो ये देखो दोस्तों हम एडिटिंग कर लिए, देखो कितना अच्छा लगने लगा, पहले से कितना अच्छा ये आपका बन गया। ठीक है, ये आप एडिटिंग कर लिए। अब आपको इसमें अपना वॉइस ओवर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। वॉइस ओवर दोगे तभी कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक आने के चांसेज नहीं रहेगा, तो इसमें आपको वॉइस ओवर देना है। जैसे देखो दोस्तों क्या कहानी है, दो है, एक पति पत्नी है। अब इनका कहानी आप कैसे बना सकते हो वो आप बना लो, या गूगल से कहानी सर्च कर सकते हो पति पत्नी कहानी। ठीक है, या फीमेल और मेल कहानी गूगल पे सर्च करोगे बहुत सारे कहानी आपको मिल जाएगा, वहां से कहानी को ले लो, उसे लिख लो या कहीं कॉपी कर लो किसी मोबाइल में।
और उस कहानी को आप पढ़ो। देखो पहले वो पहले यहाँ पे पुरुष बोल रहा है, ठीक है, इसको बोल लो, उसके बाद यहाँ पे महिला बोल रही है, तो इसे महिला वाला में बोल लो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो महिला आवाज़ चेंज करना चाहते हो तो भी चेंज कर सकते हो, कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग करके आवाज़ चेंज करना भी आपको सिखा देते हैं। चलो हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों हम रिकॉर्डिंग कर लिए। अब देखना, सबसे पहले इस वॉइस पे क्लिक करना है और यहाँ पे EQ जाना है और यहाँ पे ट्रेवल रिड्यूस कर देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम आपको यहीं पे करना है, रिवर्ब पे जाना है, स्टूडियो मोड में इसको कर देना है। पहला काम तो आपका ये वॉइस यहाँ पे आपका एडिट हो गया। अब आपको देखना चेंज करना है, जैसे मान लो कि पुरुष बोल रहा है, देखो कहाँ तक पुरुष बोल रहा है, यहाँ तक पुरुष बोल रहा है, यहाँ से महिला स्टार्ट हो रही, तो जहाँ से महिला का स्टार्ट हो रहा है वहाँ से काट लो, यहाँ से महिला का स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से कट कर दो। वॉइस पे क्लिक करो, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके जाओ, ट्रिम आएगा, ट्रिम पे जाओ, स्प्लिट कर दो, ठीक है। अब देखो आपका महिला कहाँ तक बोल रही है, यहाँ तक महिला बोल रही है, फिर वही काम करो, ट्रिम पे जाओ, स्प्लिट कर दो। अभी बीच वाला जो पार्ट है इसका आपको वॉइस चेंज करना है। बीच वाले पार्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे स्क्रॉल करके जाओगे, वॉइस चेंज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप देखो वुमेन का एक वॉइस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, स्क्रॉल करके जब जाओगे तो वुमेन का वॉइस यहाँ पे मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दो। जब क्लिक कर दो तो ये वॉइस आपका वुमेन का हो जाएगा, ठीक है। वही काम आगे भी करना है, जहाँ तक पुरुष बोल रहा है उसके बाद जहाँ महिला स्टार्ट हो रही है वहाँ से कट कर लो, यहाँ से महिला स्टार्ट हो रही है यहाँ से कट कर लो, जहाँ जहाँ आपका यहाँ आएगा वहाँ से सिलेक्ट कर लो, और यहाँ से जहाँ जहाँ महिला जहाँ तक बोल रही है वहाँ तक आप जाओ और वही काम करो। फिर इसी ऑडियो पे क्लिक करो, वॉइस चेंज पे जाओ और इसे महिला में कर लो, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों जो आप फीमेल और मेल दोनों का वॉइस यहाँ पे आप बना सकते हो, तो मेल वाला आपका रख सकते हो, और नहीं तो अगर मेल वाला भी चेंज करना चाहते हो तो मेल वाले पे क्लिक करो, यहाँ पे आप वॉइस चेंजर पे जाओ, यहाँ पे आपको मैन का मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे मैन का मिल जाएगा, तो ये भी लगा सकते हो, तो यहाँ से वॉइस आप चेंज कर सकते हो। तो ये वीडियो आपका बन के हो गया तैयार, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ से एक्सपोर्ट करना है और अपनी गैलरी में सेव करना है, और जाकर अपना जहाँ अपलोड करना चाहते हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहा हूँ सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर लीजिएगा। तब के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।